أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

और हम जानते हैं कि अन्ना जो है ये जुमले को जुमला नहीं रहने देता बल्कि मुफरत की तावील में कर देता है इसलिए अलग से हिस्सा नहीं बनाएंगे बहरहाल अल्फाज से बात करते हैं जी इस आयत के पहला लफजाली का है इसमारा वाहिद मुजक्कर बैद का है बाहर फुजर है जिसके बाद माँ इसमें मौसू के तौर पर आप देख रहे हैं और इस माँ को भी हरफे मस्तर हम मान सकते हैं कदमत फैल माजी मरूफ वाहिद गायब का सीखा है काफ़ दालम हरूफ मादा तफील पाब तफी तकदीमन आगे करना आगे भेजना आई दी यदुन की जमा है इसमें मनकूस के तौर पे इस्तेमाल होता है अ दिन दाल के नीचे दो जेर होती हैं लेकिन याद जो है वो दो सूरत में वापस आती है जब इस पे अल फ्लाम दाखिल हो या मुज़ाफ़ होकर आ रहा हो तो यहाँ पर मुजाफ होकर आ रहा है ऐ दिन का लफ्ज लिहाजा या वापस आ गई है कुम जमीर मजरू मुतसिल जमा मुजक्कर हाजिर की है वाओ हरफ़ है, अन्ना हर फ रूफ़ बिलफेल इसमें जरला मनसूब लईसा फेले नाकिस बा हरफु जल लाम फल के वजन पर मुबाल का सीखा है ज लाम और मीम रूफ़ मादा ालिम झुल्म करने वाला जल्लाम बहुत ज़्यादा वाला। लाम हरफ हो जा रहा है जिसके बाद अलबीद मारफाइ नज़र आ रहा है लेकिन अलवा इसम हमजाव के बग़ैर है इसलिए के बार बार ये बात आ चुकी है कि मौरबिलाम इसम पर अगर लाम आ जाए चाहे लाम ताकीद हो चाहे लामे जारा हो तो मौरबिलाम इसम का हमजात अवस लिखने में भी नहीं आता अलबीद जो है ये अब्द की जमा इस्तेमाल हुई है और यूँ आयत नंबर एक सौ बयासी के तमाम अल्फाज मुकम्मल हो जाती है अब तरकीब की तरफ आते हैं जालिका मुफ्तदा बन रहा है ख़बर की जगह पर मुरकबे जारी आ रहा है जो कि बा से शुरू हो रहा है तो बारफुजर माँ इसमें मौसूल महलन मजरूर करा दिया जाएगा कद्दमत फेल है ऐ दी कुम है फाइल बन गया कद्दमत फ़ेल के लिए और फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिलातुलमौलूल बना माँ इसमें मौसूल के लिए और माँ इसमें मौसूल अपने स्लत अमौसूल से मिलकर भलन मजरूर हुआ बाहर फुजर के लिए और बाहर फुजर अपने मजरूर से मिलकर ख़बर बन गया मुफ्तदा जालिका की और जालिका मुफ्ता अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया बन गया स्लतलमसूल जो है उसमें मफूल बिहि की जमीत जो है वो जिसे ज़मीर आयद हम कहेंगे वो मसूफ है आयता आगे चल रही है वाओ आतिफ़ा और बिज़ल्लामिल अबीद को अब मैं एनाल करने लगाऊँ अन्ना हरफ़ रूफ़ मशबहल फेल है इसमें जला इसका इसलिए मनसूब है और अन्ना की ख़बर की जगह पर एक जुमला फेलिया आ रहा है जो कि लईसा बिज़ल्लामामिल अबीद है लहीसा फेल नाकिस है और जब भी फैले नाकिस आता है उसका एक इसम होता है एक ख़बर होती है तो लहीसा के अंदर जो हुआ की जमीर है वो लईसा का इसम है और ख़बर की जगह पर भी जल्लामिन आ रहा है जो कि हम जानते हैं ताक़द के लिए आता है बा हरफुजर ख़बर पर लिहाजा इस बा को ज्यादा कहा जाता है तो जल्लामिन जो है यहाँ पर लफज मजरूर है लेकिन महिला हम मनसूब करार देंगे क्योंकि तो लहीिसा की जो ख़बर होती है वो मनसूब होती है लिल अबीर जार मजरूर यह मतलब हो जाएगा जल्लाम सीघा इस्मुल के क्यूँ लईसा फेम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर महलन मरफू खबर बन जाएगा अन्ना की और अन्ना हरफज अपने मुस्म और खबर से मिलकर मुफरत की ताबील में होकर मस्तर की ताबील में होकर महलन मजरूर अतफ करार दे दिया जाएगा माँ कदमत ए दी कुम पर बा का जो मजरूर है ना उस पर वो या मा कदमत ए दी कुम जो है मतुफुलाय हो जाएगा मातूफ़ हो जाएगा मातूफ़ से मिलकर मजरूर हो जाएगा बाहर के लिए और बाहर से मिलकर खबर बन जाएगा जालिका मुफ्ता की और जालिका मुफ्ता अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया बन जाएगा तो सिंपल जुमला इसमिया ही बन रहा है जी और यह आप बात अच्छी तरह जानते हैं कि जुमले का एंड अगर जुमला इसमिया हो तो मुफ्ता खबर पर होता है और अगर जुमला फेलिया हो तो कम अज कम जो अज्जा हैं वो फेल और फाइल के होते हैं फेल मारूफ की सूरत में और फेल और नायब फाइल के होते हैं फेल मजहूल की सूरत में। तो जी, हमारी वर्किंग मुकमल होगी महमूद साफी साहब की वर्किंग पर भी नजर डाल लेते हैं महमूद साफी साहब ने जालिका माँमतिकों वाला जुमला ला महल इसफ़िया करार दिया, ला ला दिया। तो है और वाला जुमला ला महल सलामसूल हरफी माँ अबिल्समी करार दिया है तो माँ को उन्होंने कहा है कि इसे मसूल के तौर पर भी लिया जा सकता है और हरफ मसर के तौर पर भी लिया जा सकता है और लई सा फी माले रफ खबर अन्ना है तो जी हमारी वर्किंग मैच कर गई है मामू साफी साहब की वर्किंग के साथ अब इस आयत का तर्जुमा देख लेते हैं इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ किया गया हैबीद ये इसकी वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और इसलिए कि बेशक अल्लाहबंदों पर कुछ भी जुलम करने वाला नहीं है यहाँ पर एक प्वाइंट दिया गया है उसको जरा नोट कर ले अच्छी तरह अनलाज्ला अबीद इस पर एक सवाल पैदा होता है कि जल्लाम तो मुबाले का सीधा है जिसका माना बहुत जुल्म करने वाला है बज़ाहिर माना यह हुआ कि अल्लाह बंदों पर बहुत जुल्म करने वाला नहीं वो या कम जुल्म कर सकता है इसका एक जवाब यह दिया गया कि इस मुबालह के साथ अल्लाह ताला से जुल्म की नफ़ी के ये माना है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से नाउज़ बिल्ला रत्ती बराबर भी जुल्म म्मिर हो तो वो जल्लाम ठहरेगा और अल्लाह ताला की ज़ात शुरू से मुनजा है ये जवाब भी अच्छा है मगर इससे कभी जवाब यह है कि बाज़त मुबाल के सीहे पर नफी आए तो उससे मुराद मुबालगे की नफी नहीं होती बल्कि नफी में मुबालखा होता है इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट कर लें कि बाज़ अकात मुबालग के सीधे पर नफी आए तो उससे मुराद मुबाल की नफी नहीं होती बल्कि नफी में मुबाल होता है इसलिए तर्जा किया गया अल्ला है अल्लाह बंदों पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं है उम्मीद बात क्लियर होगी होगी और इस बात के साथ हमारी सुर इमरान की आयत नंबर एक सौ बयासी भी मुकम्मल हो जाती है इन अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी सुबह नकलबिका अरहदुल्लहा का